हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। ये है वर्कशीट नंबर 37 और ये 29 सितंबर की आपकी वर्कशीट है। ये जो वर्कशीट है ये भी हम जो मोडल्स डिस्कस कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन में वर्कशीट है। इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए और समझिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाला जो कंटेंट है वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए, इजीली आपको मिल जाए। और सभी के साथ इसे शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी, इस चैनल को भी, ताकि उन्हें भी इस कंटेंट से हेल्प मिल पाए। तो ये जो वर्कशीट है आपकी मोडल्स के ऊपर है। तो आपको बताया गया है कि इस साल आप में से कई लोगों का बर्थडे आया होगा, आपने जरूर क्वारंटाइन बर्थडे मनाया होगा। और इस साल आप में से कई लोग 16 साल के हुए होंगे, यू मस्ट हैव टर्न 16। तो अब 16 की एज में क्या होना चाहिए, थोड़ा उससे एग्जाम्पल लेते हुए आपको मोडल्स कैन और शुड के बारे में बताया गया है। सो अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज वॉट ही वॉन्ट्स टू बी इन लाइफ बाय द एज ऑफ 16। तो आप 16 साल के जब होने लगते हैं तब तक आपको एक अंदाजा हो जाना चाहिए, आपको वो चॉइस कर लेनी चाहिए कि आगे आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। दिस इज टर्म्ड एज चूजिंग योर करियर, इसे करियर चूज करना भी कहते हैं। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। तो ये बहुत फेमस सेइंग है, किसी ने कहा है, किसी फेमस आदमी ने कहा है कि हमें अपने सपने खुद बनाने चाहिए, नहीं तो कोई और हमें नौकरी पर रख लेगा उनके सपने पूरे करने के लिए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको अपने सपने, अपने करियर का अभी से प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। इफ यू वॉन्ट टू चूज योर करियर बाई चॉइस एंड नॉट बाई चांस, यू मस्ट स्टार्ट नाउ। तो आपको बोला गया है अगर आप अपनी मर्जी से अपना करियर सेट करना चाहते हैं तो आपको अभी ही उसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ पर आपको कुछ करियर ऑप्शंस भी दिए गए हैं, यू कैन स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट देम। तो आप उनके बारे में और भी ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं। कुछ यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हैं, जैसे आप टीचर बन सकते हैं, डायटिशियन, टेक्नीशियन, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ, क्लर्क, बैंकर, इंजीनियर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर। तो कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आपको जरूर इनके बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि पिछली वर्कशीट में आपने मस्ट को ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, इस वर्कशीट में आप प्रैक्टिस करेंगे कैन और शुड। तो कैन क्या करता है, कैन शोज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन एंड पावर। तो कैन मोडल हम वहां यूज करते हैं जब हम कहीं पर कोई एबिलिटी, कोई क्षमता दिखाना चाहते हैं, कोई पॉसिबिलिटी कि हाँ इसके होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, कोई परमिशन कि हाँ ये आप कर सकते हैं, कोई परमिशन देते हैं, या आप पार कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरे पास पावर है, करने की पावर है। वहां जब जब आपको ये दिखाना होता है तो आप कैन यूज कर सकते हैं। शुड आप यूज करते हैं जब आपको कहीं पर एडवाइस देनी हो, कोई सीख देनी हो, शिक्षा देनी हो, या आपको कोई ऑब्लिगेशन के बारे में बताना हो कि ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी कि हाँ ये हो सकता है, एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन कि मुझे लगता है कि ये होगा या ऐसा होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है आपकी। या कोई एक कंडीशनल मूड आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, कंडीशन में आप कोई मूड आप बताना चाहते हैं। तो आपको जो यहाँ एक्सरसाइज दी गई है उसमें आपको कैन और शुड का यूज करना है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये कैसे आपको करना है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करने हैं। कोशिश कीजिए कि इसको आप पहले खुद करें, आप पेंसिल से इसे कर सकते हैं, और उसके बाद फिर इस वीडियो में जो आंसर्स बताए हैं उन आंसर से या आपकी टीचर से डिस्कस करके आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसको कैसे करना है। यू डैश चूज एनी करियर, तो आपको कैन या शुड में से लिखना है। तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि यहाँ पर क्या है। तो यू कैन चूज, तो ये पॉसिबिलिटी है, आप कोई भी करियर चूज कर सकते हैं। तो यू कैन चूज एनी करियर बाय द एज ऑफ 24, वन डैश बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। तो एज 24 तक आपको जो है इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए अपनी अर्निंग्स में, आपको जो है जो कमाने के लिए आपको इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो वन शुड, तो यहाँ आप शुड लिखेंगे, अर्निंग वाइल लर्निंग डैश ऑल्सो बी एन ऑप्शन। तो सीखने के साथ साथ, कुछ लर्न करने के साथ साथ, कुछ पढ़ने के साथ साथ कमाना भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है, तो कैन, अर्निंग वाइल लर्निंग कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। दिस मीन्स दैट यू डैश टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब
वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी, इसका मतलब ये है कि आपको एक पार्ट टाइम जॉब ले लेनी चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं, तो यू शुड, दिस मीन्स दैट यू शुड. फिर नेक्स्ट है आपका यू डैश स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ, तो अभी से आपको इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू कर देना चाहिए, तो यू शुड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ. आस्क योरसेल्फ विच सब्जेक्ट्स यू डैश परफॉर्म बेटर इन, तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप बेटर परफॉर्म करते हैं या कर सकते हैं. तो यू कैन, तो ये आपकी पावर की बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है, तो आप लिखेंगे आस्क योरसेल्फ विच सब्जेक्ट्स यू कैन परफॉर्म बेटर इन. व्हाट यू डैश डू बेस्ट, व्हाट यू कैन डू बेस्ट, आपको अपने आप से पूछना है कि आप क्या बहुत बढ़िया कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू डैश टू सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर, तो उसी के हिसाब से आपको अपनी एबिलिटी के हिसाब से, आपकी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपको अगले साल जो है 11th में आपको जो सब्जेक्ट चूज करने होंगे उसी के हिसाब से आपको चूज करने चाहिए. तो ये करने चाहिए की बात हो रही है, तो यू शुड, ये एडवाइस है कि उसी के हिसाब से आपको अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एबिलिटी के हिसाब से accordingly you should choose subjects of your choice next year. फिर next है आपका you dash be sure about your options as choosing a career is a major decision. तो you should be sure, आपको ये sure होना चाहिए, तो career choose करना, ये career decision एक बहुत important decision है, तो इसलिए you should be sure. You dash also work towards getting a government job. तो आप साथ के साथ आप government job करने की तरफ भी आप काम कर सकते हैं. सकते हैं मतलब you can also work. तो यहाँ can आएगा. फिर है you dash start thinking on improving your language efficiency. तो आपको साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज एफिशिएंसी, आपको इंग्लिश और हिंदी और अगर कोई और भी भाषा आप जानते हैं तो उसकी एफिशिएंसी पर भी आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए, उस पर सोच विचार कर देना शुरू करना चाहिए. तो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि ये आगे आप में बहुत हेल्पफुल रहती है लैंग्वेज एफिशिएंसी, सो यू शुड स्टार्ट थिंकिंग, ये एडवाइस है. यू डैश सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इफ यू स्टे अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज, तो अगर जो लेटेस्ट न्यूज आजकल चल रही है उसके बारे में आप अपडेटेड रहेंगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो इजीली आप उसको पूरा कर सकते हैं, सक्सेसफुली आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. तो सकते हैं मतलब कि यू कैन, यहाँ पर आ जाएगा यू कैन सक्सेसफुली. नेक्स्ट है फिर यू डैश मेक नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड कीप रिवाइजिंग इट रेगुलरली, तो साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के नोट्स बनाने चाहिए और उसे रिवाइज करते रहना चाहिए, तो यहाँ यू शुड मेक नोट्स आ जाएगा. फिर है फिजिकल फिटनेस डैश ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, तो फिजिकल फिटनेस भी हो सकता है कि कुछ करियर ऑप्शंस में, जैसे कि अगर आर्मी का आप सोच रहे हैं तो उसमें जो है फिजिकल फिटनेस भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हो सकता है. फिजिकल फिटनेस कैन ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, हो सकता है वहां पर फिजिकल फिटनेस भी चेक हो. इसी वजह से ईट हेल्दी फूड, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए. योर डेली रूटीन डैश इंक्लूड एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, तो आपका जो डेली रूटीन है उसमें कम से कम 1 घंटा तो एक्सरसाइज होना चाहिए. तो चाहिए यहाँ पर एडवाइस है, तो योर डेली रूटीन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 आवर. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट और कैन और शुड का जो ये यूज है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं. साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उन्हें कोई डाउट है तो वो भी यहाँ पर पूछ सकते हैं. इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझिए. थैंक यू.